भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने की कोशिश में नूरपुर प्रशासन दिन रात काम कर रहा है। सीमाओं पर चौकसी के साथ ई पास बनाने के लिए भी प्रशासन 24 घंटे काम कर रहा है। कोविड कंट्रोल रूम में भी रोजाना कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर फोन कर रहे हैं, जिनका समाधान किया जा रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए SDM नूरपुर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने कहा, प्रशासन दिन रात काम में लगा है। उन्होंने कहा, कोविड कंट्रोल रूम में कई ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की कमी है। वहीं बॉर्डर पर अधिसूचना जारी होते ही लगा दिया गया था, जहां सभी लोगों के दस्तावेजों की गहनता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिसूचना में जो बदलाव किया है, उस बाबत भी जानकारी बैरियर पर तैनात कर्मचारियों को दे दी गई है। उन्होंने बताया, नूरपुर में इस समय 8 टीमें तैनात की गई हैं, जो हर क्षेत्र में जाकर निगरानी रख रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया, कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकलें जब उन्हें जरूरी काम हो। बेवजह घूमने वालों पर प्रशासन और पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करेगी। मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं कि जो नूरपुर प्रशासन है, वो दिन रात जो है कोविड से बैटल में लगा हुआ है। हमने इसमें एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है SDM ऑफिस में, जो कि 24 घंटे, आई रिपीट 24 घंटे वो हमारा कोविड कंट्रोल रूम जो है कार्य कर रहा है। इसमें लोगों को फ़ोन कॉल किए जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जो अपनी समस्याएं हैं उसके बारे में फ़ोन आ रहे हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जिन लोगों की ऑक्सीजन जो है समटाइम्स लोअर साइड पर आ रही है, तो वो सबसे पहले वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अलावा हमें फ़ोन करते हैं, हम उनकी बात टाइप कर रहे हैं। रही बात बॉर्डर पे, तो बॉर्डर पे जो निगरानी है वो हम डे वन से, जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी हुई थी, हमने उसी दिन से जो है इसको स्थापित कर लिया और बहुत अच्छी तरीके से हम कार्य कर रहे हैं। जो अमेंडेड नोटिफिकेशन जो आज आई है, जो नए रूल्स है, उसके मुताबिक जो जितने व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं उनके पास अप्रूव करने, जो कि हमने जैसे ही ये निर्देश हमें प्राप्त हुए हमने शुरू कर दिया। अभी आप देख रहे हैं कि जितने लोग जा रहे हैं इनको, ये जो है विद पासेज जा रहे हैं, अप्रूव पासेज के साथ जा रहे हैं। यहाँ पर जितना हमारा स्टाफ है, इनको मैंने अच्छे तरीके से गाइडलाइन उनको समझा दिया है, उनको बता दिया, उनको ट्रेन कर दिया कि आपको इस प्रकार से कार्य करना है। इसके अतिरिक्त जो है नूरपुर उपमंडल के अंदर हमने आज सर्वेलेंस टीम्स बनाई है। SDOs को जो है हमने इसमें, और EOs और BDOs, इनको हमने जो इसमें सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किया है, जो भी जो कोविड के लॉकडाउन के जो नियम हैं इन चीज़ों की अनुपालना रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में ये कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है मैं स्वाई और हमारे तहसीलदार नूरपुर, हमारे नाथ तहसीलदार नूरपुर, ये फ्लाइंग स्क्वाड में है और ये भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों को जो सरकार के जो नीतियाँ हैं जो ये कोविड को लेकर, इसको हम जो है इनको सिखा रहे हैं, इनको समझा रहे हैं। आज वीकेंड लॉकडाउन है, सारी मैक्सिमम शॉप खुली है सिवाय शॉप जो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के या मेडिकल स्टोर के, सारी शॉप क्लोज है। मैं जनता से अनुरोध करूँगा कि कृपया जो है सरकार का सहयोग करें। कोविड अगर हम सब मिलजुल के अगर हम इकट्ठे हम अगर कार्य करते हैं, तो ये जरूर हम से हम इस हम इसमें जीत हासिल करेंगे। सर, देखा गया है जैसे कल कर्फ्यू था, तो कई लोग जो बिना बजाय जो घर से निकले हुए थे, तो इसके लिए आपका क्या है, प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? इसमें हम जो है लगातार पुलिस की जो हमारी सारी टीम्स हैं वो भी वो लगातार इंस्पेक्शन करिए, सर्वेलेंस टीम्स और हम सब इंस्पेक्ट कर रहे हैं। हाँ, ऐसे लोग मिले हैं किसी ना किसी बहाने जो है वो उन्होंने वो बाहर आए हैं, लेकिन हमसे एक बार उनसे फिर से गुजारिश करूँगा कि कृपया वो अननेसेसरी बाहर ना आए, बिना आवश्यक जब तक कोई कार्य नहीं होता तब तक वो बाहर ना आए। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नूरपुर से साहिल ढडवाल।